अमिताभ बच्चन को थिएटर में एक्टिंग का पहला ब्रेक गोगा कपूर ने दिया था। दरअसल गोगा कपूर फिल्मों में आने से पहले अंग्रेजी भाषा थिएटर के नाटक किया करते थे और ऐसे ही कुछ प्रचलित अंग्रेजी नाटकों का अमिताभ के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी में रूपांतरण किया करते थे और फिर उन्हीं नाटकों का हिंदी में मंचन गोगा कपूर करते, जिनमें अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन भी एक्टिंग किया करती थी, जिसके चलते गोगा कपूर का बच्चन परिवार से अच्छा खासा नाता जुड़ गया था। 1960 में श्री हरिवंश राय बच्चन ने एक ऐसे ही अंग्रेजी नाटक का हिंदी में रूपांतरण तैयार किया, जिसमें लीड एक्टर तो गोगा कपूर बने थे और लीड एक्ट्रेस तेजी बच्चन बनी थी। तेजी बच्चन की शुरू से ही इच्छा कि अमिताभ एक एक्टर बने, इसलिए वो गोगा कपूर से हमेशा कहती रहती थी कि अमिताभ को भी एक्टिंग का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अमिताभ काफी दुबले पतले हुआ करते थे तो इन्हें डायरेक्टर पसंद नहीं करते थे, लिहाजा इस नाटक के लिए गोगा कपूर ने एक तिगड़म लगाया और अमिताभ को कॉटन से भरी हुई बनियान पहनाकर उस नाटक का तीसरा महत्वपूर्ण किरदार उनसे करवाया और ये अमिताभ बच्चन द्वारा की गई पहली एक्टिंग थी और इसके बाद से ही अमिताभ को एक्टिंग में अपना करियर बनाने की इच्छा जागी। गोगा कपूर के इसी एहसान के बदले अमिताभ बच्चन आगे चलकर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करवाया करते थे।